The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगर आपके जानने पहचानने में अगर आपके नोन पर्सन किसी को भी कोई भी स्ट्रोक हो जाता है, किसी को हाथ पैर में आपने देखा कि किसी का एकदम से कह रहा है कि मेरा हाथ नहीं हिल रहा यार, या बोल ही नहीं पा रहा, या फिर झटके आ रहे हैं, सीजर सीजर आ रहे हैं, सो ये स्ट्रोक हो सकता है, राइट? ये स्ट्रोक के और प्रकार भी होते हैं, हीमोरेजिक स्ट्रोक और इस्चीमिक स्ट्रोक तो मैंने आप एक को बता रखा है, राइट? तो पहले कि हीमोरेजिक स्ट्रोक ब्लीडिंग से होगा, इस्चीमिक स्ट्रोक होगा अगर खून का क्लॉट आ जाए, खून की नस, मान लीजिए कोई नस जा रही है, वो क्लॉट आ जाए तो उसके वजह से होगा, और ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लीडिंग की वजह से स्ट्रोक होगा। लेकिन एक और चीज़ होती है TIA, ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक का मतलब है कि मान लीजिए कोई खून का क्लॉट आया 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 यहाँ पे अटका कोई एक जगह पे, कुछ देर के लिए एकदम से वहाँ ब्लड जाना बंद हुआ, फक से आपका हाथ पैर कोई चीज़ काम करना बंद हो गया, बोलना कम हो गया, कोई भी ब्रेन का काम करना बंद हो गया, और उसके बाद एकदम से कुदरती तौर पे मान लीजिए वहाँ से क्लॉट हिल गया और निकल गया, वो क्लॉट वहाँ से निकल गया और आप वो ठीक हो गए, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक 24 घंटे के अंदर अंदर आप ठीक हो गए तब होता है नॉर्मली, और 100% ठीक हो जाते हैं उसमें, पूरे के पूरे ठीक हो जाते हैं। नॉर्मली इस्चीमिक स्ट्रोक में काफ़ी चांसेस होते हैं पूरी तरह ठीक हो जाने के, इवन हीमोरेजिक स्ट्रोक में भी चांस होते हैं पूरी तरह ठीक हो जाने के, अगर सही वक्त पे सही इलाज मिल जाए तो, राइट? और दूसरी चीज़ इस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा डैमेज है। जैसे अगर घर के सामने थोड़ा बहुत पानी जमा हो जाए तो आप चिंता भी नहीं करेंगे, अपने आप निकल जाएंगे, लेकिन बाढ़ आ जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। सेम वे आपके ब्लड ब्रेन में ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, मान लीजिए हीमोरेजिक स्ट्रोक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो मिड लाइन शिफ्ट हो जाएगा, ब्रेन पुश हो जाएगा, तब आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग थोड़ी बहुत है और ब्लीडिंग के वजह से कोई भी किसी भी प्रकार का मिड लाइन शिफ्ट नहीं है, ना ही कोई ना ही वो बढ़ रही है, वेरी सिंपल, अगर प्रेशर बढ़ते हुए नहीं दिख रहा, एक जगह रुक गया है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होकर रुक गई है, तो ब्रेन या बॉडी उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उस समय हम प्रेशर कम करने की दवाएं देते हैं, आपको मॉनिटर करते हैं, MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं रेगुलर, देखने के लिए कि ब्लीडिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो मेन चीज़ अगर आपको स्ट्रोक हुआ है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो तुरंत हॉस्पिटल जाके CT स्कैन कराना है सबसे पहला काम। कुछ सोचो मत, दिमाग में चोट लगने के बाद, इसीलिए सर पे गुम चोट लगी हो, खून बहरा हो, कोई एक्सीडेंट में गिर जाए, किसी को कहीं पे सर पे चोट लग जाए, किसी ने डंडा मार दिया, किसी ने कुछ मार दिया, पहला काम है CT स्कैन कराओ, बिकॉज ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, वेरी रिस्की, राइट? तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग तो नहीं है, दैट इज फर्स्ट थिंग वी शुड नो, और पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर आज नहीं कराया, हमने कल ब्लीडिंग कराई, तो हमें नहीं पता चलेगा ये एक 24 घंटे में पहले क्या था अभी क्या था, हमें पता चलेगा आज ब्लीडिंग दिखी इतनी है, कल इतनी थी कि आज इतनी है, बढ़ रही है कि रुक गई है, हमें नहीं पता, राइट? इसीलिए तुरंत CT स्कैन करना जरूरी है। एक पेशेंट जिसको सर पे चोट लगी हो, जिसको स्ट्रोक हो, जिसको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हो, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट का मतलब हाथ पैर काम नहीं कर रहे या कुछ काम नहीं कर रहा, बोल नहीं पा रहा, ये टेढ़ा हो गया, ये हो गया, पैल्सी, हेमीपैरेसिस, या दौरा पड़ रहा हो, सीजर पड़ रहा हो, सीजर स्ट्रोक में हो सकता है, स्ट्रोक में सीजर हो सकता है एक साइन, बिकॉज अगर कोई ऐसे पार्ट ब्रेन के जो सीजर प्रोड्यूस करते हैं, कोई सर्किट स्टिमुलेट हो जाए बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, बिकॉज ऑफ इस्चीमिया, तो सीजर हो सकता है स्ट्रोक चलते चलते, स्ट्रोक के साथ, राइट? लेकिन सीजर अकेले भी हो सकता है, बिना स्ट्रोक के सीजर भी हो सकता है, सीजर डिसऑर्डर होता है, ऐसे भी सीजर डिसऑर्डर होते हैं जहां ब्रेन में यानी कन्वल्जन, झटके, मिर्गी, बिना किसी स्ट्रोक के भी हो सकते हैं, और ऐसे भी होता है कि कोई प्रॉब्लम ना मिले, सारे टेस्ट करा लिए दुनिया भर के, लेकिन बंदे को सिर्फ दौरे पड़ते हैं, सीजर आते हैं, उस केस में ब्रेन के अंदर केमिकल लोचा होता है, मतलब न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस, नर्व इम्पल्सेस, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट है ब्रेन में, सर्किट है उसके इम्बैलेंस के वजह से ऐसा हो सकता है, तो उसका इलाज अलग है। लेकिन यहाँ बात हो रही है स्ट्रोक की, अगर स्ट्रोक हो गया तो तुरंत जाना है हॉस्पिटल, सीटी स्कैन कराना है, वाइटल्स देखने हैं, अगर पेशेंट का मिड लाइन शिफ्ट हो रहा है तो हो सकता है ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग ज़्यादा है तो तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ेगी जान बचाने के लिए, वरना कई बार टाइम नहीं मिलता जान बचाने का, तो वक्त बर्बाद नहीं करना है। दूसरी तरफ अगर हीमोरेजिक यानी ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक नहीं भी है और क्लॉट वाला स्ट्रोक है, इस्चीमिक स्ट्रोक है, तो भी
तो भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके सीटी स्कैन कराना होगा। सीटी स्कैन में हो सकता है मेजरली कुछ ना आए, ब्लीडिंग दिखती है, क्लॉट भी कभी कभी दिख जाता है इश्यूमिक, और साथ में एमआरआई में एग्जैक्टली दिखता है कि क्लॉट कहाँ कहाँ है, कैसा कैसा है। तो इस केस में आपका कई बार अगर बहुत ही बड़ा क्लॉट दिखता है, बहुत ही बड़ा क्लॉट दिखता है, तो उस क्लॉट को तुरंत निकालना पड़ता है। जैसे हार्ट के अंदर अटैक होता है, ब्रेन के अंदर अटैक होता है, बिल्कुल क्लॉट वैसे ही आता है। खून का थपका क्लॉट आता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस होकर सालों में क्लॉट धीरे धीरे नसें बंद हो जाती है। सिगरेट स्मोकिंग करने वाले आपके जो लोग होते हैं, तंबाकू खाने वाले लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा गंदी लाइफस्टाइल जीते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं, जो बहुत मोटे हैं, जिनकी एक्सरसाइज रूटीन नहीं है, इन सबको ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के। स्मोकिंग नंबर वन रीज़न है स्मोकिंग। डायबिटीज़ इज ऑल्सो देयर, डायबिटीज़ नंबर टू मान लीजिए, बीपी हाई, बीपी नंबर थ्री, राइट। ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना है इसलिए बहुत ज़रूरी, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना है। लेकिन जब हो गया, उस समय जब क्लॉट आ गया, चाहे वो दिल में हो चाहे दिमाग में हो, उसको निकालना पड़ेगा, वरना वहाँ पर डैमेज होता जाएगा। एवरी मिनट कीमती होता है, कई कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उस क्लॉट को अगर हम निकाल दें, दिमाग में तार डाल के भी क्लॉट निकाला जा सकता है, बिल्कुल जैसे हार्ट में तार डाल के छल्ले डालते हैं, दिमाग में तार डाल के उसको थ्रोम्बोसक्शन किया जा सकता है, या फिर क्लॉट घोलने की दवाई थ्रोम्बोलिसिस किया जा सकता है। थ्रोम्बोलिसिस करते हैं तो दिमाग में जो क्लॉट होता है वो रास्ता खुल जाता है, चाहे पूरा ना खुले, 50% खुले, 25% खुले, कई बार 90%, 90%, 100% कई बार खुल जाता है। सो वी डोंट नो, राइट, वी डोंट नो कि आपके केस में थ्रोम्बोलिसिस होने के बाद में क्लॉट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ब्लीडिंग का रिस्क होता है ऑब्वियसली, थ्रोम्बोलिसिस है, खून पतला करने की दवा है, तो कुछ परसेंट लोगों में, 1%, 2%, कई लोगों में, कुछ में कम में, दवा पे डिपेंड करेगा, राइट, दवा पे डिपेंड करेगा कौन सी दवा यूज़ कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे ब्लीडिंग का रिस्क होता है, लेकिन इस समय जान बचाना ज़रूरी है, राइट। सो ये ट्रीटमेंट होता है इश्चीमिक स्ट्रोक का, जब क्लॉट आया थ्रोम्बोलिसिस करना पड़ेगा, क्लॉट को निकलवाना पड़ेगा, लेकिन पहले देखना तो पड़ेगा, इसलिए हॉस्पिटल जाओ, सिटी स्कैन कराओ, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। हीमोरेजिक स्ट्रोक है, आपको तो पता ही नहीं है ना, वो तो सिटी स्कैन में दिखेगा हीमोरेजिक है कि नहीं। हीमोरेजिक है तो फिर आपको कई बार डिकम्प्रेशन करना पड़ता है, या इंट्रावीनस मैनिटॉल देना पड़ता है प्रेशर कम करने के लिए। प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मिड नाइट शिफ्ट है, तो डिकम्प्रेशन कई बार सर्जरी तुरंत छेद करना पड़ता है दिमाग के अंदर, स्कल के अंदर, ताकि वहां से ब्लड निकाल सके। ब्लड निकलेगा तो ही बचेगा प्रेशर। सो स्ट्रोक इज डेंजरस, मैनेजमेंट इज नॉट सो डिफिकल्ट, समझना बहुत मुश्किल नहीं है। यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, राइट। उस बीच पेशेंट को दौरा पड़ रहा है तो आपको उसको बेहोशी की दवा देनी पड़ेगी, मिडाजोलम डॉक्टर देंगे जाके इमरजेंसी में, या दूसरा कोई भी डायजेपाम। और अगर उस बीच पेशेंट बेहोश हो गया, अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा, अगर दिमाग के वो एरिया डैमेज हो रहा है जो सांस कंट्रोल करता है, तो पेशेंट सांस नहीं ले रहा, तो पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे डालना पड़ेगा। बीपी कम हो गया, धड़कन कम हो गई, तो धड़कन बीपी बढ़ाने की दवाएं देनी पड़ेगी, लाइफ सपोर्ट पे डालना पड़ेगा। लेकिन वो सब करे बगैर पेशेंट को बचाया भी नहीं जा सकता। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका दूसरा कोई इलाज नहीं है एलोपैथी के अलावा, ये एक ऐसी चीज़ है। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी, कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी पैथी मानते हो, आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी जाना है और सीटी स्कैन कराना है, डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, न्यूरोसर्जन को दिखाना है, उसी से आपके स्ट्रोक में जान बच पाएगी। रिमेंबर दैट।